देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त को महानगर कोलकाता के जकरिया स्ट्रीट इलाके में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये प्रोग्राम स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद आसिफ, समीर सलमान और सैफुल रहमान की ओर से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर चौरंगी क्षेत्र की एमएलए नैना बंदोपाध्याय, काउंसलर रेहाना खातून, डीसीपी मकसूद रहमान सरदार, टीएमसी माइनॉरिटी सेल नेता फरीद खान, मास्टर मोहम्मद वकील कारी अल्ताफुर रहमान, यासिर हैदर, मोहम्मद इमरान व अन्य जाने माने व्यक्ति मौजूद थे। सबों ने इस मौके पर देशवासियों को आज़ादी की इस वर्ष को लेकर मुबारकबाद पेश की और कहा कि देश उसी वक्त आगे बढ़ेगा जब सब भारतीय एक साथ मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर सैकड़ों लोगों को कपड़े भी बांटे गए। मैं अपने सभी देशवासियों को आज देश की 75वीं आज़ादी के दिन पे सभी देशवासियों को दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं और उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश का ये जो झंडा बना था जिसके तीन कलर थे, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन, इसके अर्थ, इसके मायने क्या हैं, उसमें जो एक चक्र है जिसमें 24 तीलियाँ हैं, उसकी हर एक तिली का एक मकसद होता है, उन सबको हम लोग याद करें। और जो देश के संविधान को बचाने के लिए देश के संविधान के हिसाब से जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित या पिछड़ा वर्ग कोई भी वर्ग रहो, सबको एक समान अधिकार दिया गया था, ये संविधान में लिखा हुआ था। तो हम सब चाहते हैं कि लोग संविधान को याद रखें और देश जिस राह पर चला जा रहा है उस राह पर जाने से बचाएँ, क्योंकि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो इस झंडे को सिर्फ अपने मकसद से, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये हमारा झंडा, ये हमारे देश का झंडा किसी के फायदे के लिए नहीं है, ये देश का झंडा हमारी आन बान और शान है, इसलिए इसको आप हमारे देश की आन और बान शान को बचा के रखें। इस फैसले को मैंने जैसे आपसे कहा कि ये लोग मरकजी हुकूमत के जो कुछ लोग बैठे हुए हैं वो इस झंडे को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये शायद ये भूल गए हैं कि ये हिंदुस्तानी हर साल दो बार तो अपने घर में झंडा लहराता ही लहराता है, एक 26 जनवरी को और एक 15 अगस्त को। तो मरकजी हुकूमत को, देश के आवाम को हिदायत देने की ज़रूरत नहीं कि झंडा लहराएं, झंडा उनके दिल में है, देश का जो मोहब्बत है उनके दिल में है, झंडा दिखा के कुछ नहीं होता। वो लोग सस्ती शोहरत चाह रहे हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब देश में त्राही त्राही मची हुई है, खाने का सामान महंगा हो रहा है, LPG महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनको कभी धार्मिक रास्ते पर, कभी इस रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। हमारे देशवासी बहुत अकलमंद हैं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, हर हिंदुस्तानी के दिल में देश का कलर, देश का झंडा बसता है। देखिए अशफाक भाई, कुछ बातें ऐसी हैं, सारी मीडिया तो एक्शन नहीं होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सारे हिंदुस्तानियों को मालूम है, मगर कुछ लोग ऐसे हैं और मीडिया के भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हम समझते हैं कि जो उनके नेशनल एक्ट्स हैं वो नहीं मिलते हैं, ये कुछ मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चौथा स्तंभ हमारे देश के संविधान का मीडिया को भी बोलते हैं, मगर कुछ बिकाऊ मीडिया, मुझे बोलने में ख़राब लग रहा है, आप लोग भी सामने हैं लेकिन आप लोग ऐसे नहीं हैं, वो जो सरकार में बैठे हुए मरकजी लोग हैं उनके कहना और कहलाने पर ही चल रहे हैं और कुछ लोगों के योगदान को भूल कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों ने, जिन संघी लोगों ने अपने मुख्यालय पे 52 साल तक झंडा नहीं लगाया, वो आज हम लोगों को सिखाते हैं कि हम सबको झंडा लगाना है। मेरा ख्याल है कि इस बात से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। संघियों के लिए क्या नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, ये कहीं ना कहीं पर हम हिंदुस्तानियों की जीत हुई है कि आज संघी लोगों ने भी अपना सबूत दे रहे हैं कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हम मुसलमानों को ये सबूत देने की ज़रूरत नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं, आज संघियों को ये सबूत देने की ज़रूरत है वो हिंदुस्तानी है, और मुझे खुशी है कि आज मरकजी कहने पर उन लोगों ने अपने घरों घर में झंडा लगाया। सर, इक्तदार में BJP है लेकिन सियासत जो हो रही है वो RSS कर रही है। देखिए, RSS उनका मेन विंग है, BJP उनका एक ब्रांच है, तो जो RSS कहता है वो लोग यही करता है और ये RSS का ही एजेंडा है। और आपको मालूम होगा कि जब ये आज़ादी हमें मिली तो ये माफ़ी कर वीर कर ये लोग खुश नहीं थे, ये लोग अंग्रेज़ों के साथ थे, ये लोग आज़ादी के ख़िलाफ़ थे, इसलिए इन्हें 52 साल लग गए अपने मुख्यालय में झंडा लगाने के लिए। मगर हम मुसलमानों ने, हम देशवासियों ने एक दिन भी सोचा नहीं, क्योंकि इस आज़ादी में हमारा पूरा पूरी हिस्सेदारी है और इसलिए हम इस आज़ादी को दिल से मनाते हैं। ये तिरंगा झंडा हमारे दिल में, हम मुसलमानों के और हमारे देशवासी, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हो, हम सबके दिल में बसता है। इसमें हम ये बोलेंगे, बहुत खुशी का बात है और हम लोग तो करते हैं, हमें आज़ादी का हम सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे इंडिपेंडेंस डे का, और हम लोग यहाँ पर कुछ गिफ्ट भी दे रहे हैं गरीब लोग को, कुछ साड़ी हो गया है और चश्मा भी, आइस चेकअप प्रोग्राम करवाए तो उसमें भी हम लोग कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। ऐसे हम लोग सोशल वर्क
प्रोग्राम करवाते रहते हैं। हम हुए, समीर सलाम हुआ, शफीउर रहमान हुआ, जफर हुआ, हमारे भाई जाहिद लतीफ़ हुए, वकील भाई हुए, इमरान भाई हुए, ऐसे करते ही रहेंगे हम लोग। और हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को झंडा किसको, एक मिनट, जिसको झंडा हम लोग कहाँ लहराना है, क्या करना है, नहीं करना है, ये हमारे भाई फरीद भाई बोल चुके हैं कि हम लोग के दिल में जो है ऑलरेडी जो है तिरंगा है। बोलने का हम लोग 26 जनवरी हो या इंडिपेंडेंस हो या रिपब्लिक हो, उसके लिए ना हम लोग का 365 दिन हम लोग का दिल में तिरंगा है। माई सेल्फ एमडी वकील बीइंग अ सोशल वर्कर ऑन द ईव ऑफ 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज जो ऑर्गेनाइज किया गया है 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव में, जिस तरह महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हम लोग फरीद खान साहब से मोटिवेशन होते हैं, हर साल मोटिवेट होते रहते हैं, उनके ही शान में दो लाइन से मैं अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। वतन की खाक से मिलकर वतन की खाक होता है, खुदा की ज़ात से मिलकर खुद ही पाक होता है, खुदा की ज़ात से मिलकर खुद ही पाक होता है। शहीदों की ज़मीं है ये, यहाँ का हर एक बच्चा कोई बिस्मिल कोई भगत कोई अशफाक होता है। 75वां आज़ादी के अमृत महोत्सव में पूरा भारत, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में, हर गली कूचे में हम लोग 75वां आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये पैगाम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें इसकी ये गुलसिता हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। जितने हमारे देखने वाले तमाम मीडिया के लोग, तमाम लोग मीडिया से जुड़ी हुई, एक चीज़ को मैं बताना चाह रहा हूँ। मोहम्मद अली बाकर जो पहले शहीद थे, जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में शहीद हुए, ये पैगाम है हमारे मीडिया भाई। आज अगर चाहेंगे तो पूरे, ना सिर्फ वेस्ट बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम देंगे कि 75वां आज़ादी हम लोग दिल से मनाते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत के चार सिपाही, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत के लोग जिंदाबाद, जय हिंद। इंडिपेंडेंस आज़ादी के अमृत महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट करने के लिए हम समय जाया है। इसमें हमारे वार्ड के हर माँ बहन जो है, वी कॉल एम एज द सिटीजन ऑफ आवर सिटी ऑफ जॉय गिफ्ट कर रहे हैं। तो सबके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग सबको थैंक यू, और हम लोग प्रोग्राम सक्सेसफुल।